एक छोटी सी बॉटल का धमाकेदार आइडिया है, जिससे दोस्तों ढेर सारे पैसे भी बचाएंगे और बाजार से लाना भूल जाएंगे। तो दोस्तों छोटे छोटे टिप्स हैं मगर अब हमारे बहुत काम के हैं, वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा, इससे हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं मंगली टिप्स की तरफ। जो पहली टिप्स है हमारे दोस्तों प्याज के लेकर, प्याज की जो जड़ होती है वो हम काट देते हैं मगर वो कुछ अंदर रह जाती है जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है शरीर के अंदर जा करके। तो इसे हम कैसे निकालें, तो इस तरीके से हम चाकू को गड़ाएंगे और गोल गोल घुमा देंगे जिससे ये हमारी आसानी से निकल आएगी। इसके बाद हम प्याज को खाने में, सलाद में या फिर किसी चीज में हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब हमें प्याज काटते हैं तो ये नीचे का डंठल निकाल लीजिएगा। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले से हमने इस प्याज को कट करके रखा था, अब इसके छोटे छोटे हमें पीसेस अलग कर लेने हैं। इस तरीके से जो इसके पीसेस है एक एक कर लेना है, ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 से 6 चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो अब हमें लेना है सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन लेना है। तो दोस्तों पहले हमें गूंथ लेना है, इसके बाद हम बता रहे ये हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इसे क्या करना है। तो हमने इसको गूंथ लिया है, तो चलते हैं दोस्तों इसको हमें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करनी है। क्या होता है दोस्तों, मार्केट से हम मैगी मैगी दवा लेकर के आते हैं, अपने घर में छिड़काव करते हैं, जो सोल्यूशन हम कुछ घर में भी बना लेते हैं। एक छोटा सा इस तरीके से प्याज का हैंक बना लीजिएगा, जहाँ छिपकली ज़्यादा आती है वही हैंक कर दीजिएगा। कभी कभी छिपकली किचन में आ जाती है तो ये लगता है कहीं खाने में ना चले जाए या खाना जूठा कर दे। तो दोस्तों बहुत कमाल का टिप्स है, इस तरीके से हम अपने जहाँ छिपकली आती है वहाँ हैंक कर देंगे। अगला टिप्स देख लेते हैं, जो क्या होता है, जो आटे की पन्नी होती है दोस्तों ये बहुत मजबूत होती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, एकदम रंग बिरंगी होती है। क्या होता है जो दोस्तों हम लोग मार्केट से मैगी मैगी जो पन्नी होती है चिपकाने वाली, दीवार में या फिर अपने रेप में कहीं भी किचन में चिपकाते हैं, तो उससे ढेर सारे हमारा पैसा भी खर्च होता है। तो क्यों ना दोस्तों इस तरीके से जो आटे की पन्नी है इसको हम अपने घर और किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको पहले हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। काफी मैगी मैगी पन्नी आती है दोस्तों। अब हमें क्या करना, जैसे हमारी रेप है या फिर हम जहाँ चार्जर रखते हैं, मोबाइल वगैरह रखते हैं या फिर बच्चों की किताब रखते हैं, जैसा हमारा घर कुछ सही नहीं है तो उसके ऊपर सरेब में हम इसको बिछा सकते हैं, या फिर ऐसी सिलीमेंट की जो रेप होती है उसमें हम बिछा देंगे तो ये सारी चीज़ें गंदी नहीं होगी, तो काफ़ी अच्छे दोस्तों देखने में भी लगता है। इस तरीके से हमारी बुक भी गंदी नहीं होगी, मोबाइल है, स्टैंड है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें हम रख सकते हैं जिससे कि हमारा कोई भी चीज़ गंदा नहीं होगा। तो दोस्तों भूलकर ये चीज़ें मत फेंकिएगा, ये हमारी बहुत काम की चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इस तरीके से हम बाटल को ढूंढते हैं, क्यों ना जो शैम्पू की बाटल हो इसमें हम स्प्रे लगा लें अपने पेड़ों में, या कोई भी सोल्यूशन डाल के हम इसे कहीं भी छिड़काव कर सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया है दोस्तों, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है तो दोस्तों देख लेते हैं अगला टिप्स। पहले इसका हम रेपर हटा लेंगे, इसके बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे और कुछ इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। तो इस तरीके से मार्क लगा के इसको हमें कट कर देनी है। तो इस तरीके से कुछ कट कर हो गया है, अब हमें इसको कलर कर देने हैं। कलर करने के बाद थोड़ा सा हमें इसमें और डिजाइन बना देना है जिससे कि जहाँ हम इसको रखे वहाँ हमारा अच्छा लगे और देखने में भी एकदम मार्केट जैसा लगेगा। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी आसान बना देती हैं, अब छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को भी सजा सकते हैं और काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। तो जो दोस्तों कबाड़ का एक जुगाड़ है, तो इस तरीके से दोस्तों बन गया है, काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। अब इसे हम क्या रखेंगे, तो दोस्तों जैसे हमारा कोलगेट है, ब्रश है, एक कोलगेट 2-3 इसमें ब्रश आसानी से आ जाते हैं, तो इसे हम बाथरूम में हैंग कर देंगे या फिर जहां हम अपने कोलगेट रखते हैं वहां इसको हम हैंग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक छोटी सी बाटल का धमाकेदार आइडिया, जो दोस्तों ये दूध की बाटल है
अब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम अच्छे से गर्म पानी से धुल लेंगे। जो छोटे बेबी होते हैं उनके लिए जो निपुल लगाते हैं, इसमें हम निपुल लाएंगे और यहाँ ऊपर लगा देंगे तो हमारी ये दूध की बाटल बन जाएगी। और दूसरा आइडिया है दोस्तों, हम जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये पानी के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम बाजार में जाते हैं 30-35-40 की बाटल दूध भी वाली आती है, 50-60 की और कुछ पैसों को पानी वाली बाटल आती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम दो तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते देख लेते हैं, खासकर ये बेबी के लिए बहुत अच्छी है। अब हम अगला टिप्स देख लेते हैं हम दोस्तों कैसे इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ये छोटे छोटे स्क्रू और ये इस तरीके से जो पेचकस होते हैं, कहीं ढेर सारे हो जाते हैं, उन्हें रख देते हैं, कहीं खो जाते हैं, फिर ढूंढते हैं तो मिलते नहीं। इसका जो लंबा है उसे हम खींच खींच के इस तरीके से अलग करके डाल देंगे। ये एक साथ हमारे ढेर सारे पेचकस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ढेर सारी हो जाती हैं, फिर जब ढूंढते हैं मिलती नहीं। तो इस तरीके से देखने में भी अच्छा लगेगा और एक साथ हमें मिल जाएंगे। तो खास इस तरीके से रखेंगे तो हमारे काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। बहुत कमाल की है एक छोटी सी बाटल, धमाकेदार आइडिया है। तो दोस्तों आपको सबसे अच्छा इसमें कौन सा आइडिया लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने काफ़ी आसान काम कर लेते हैं और बाज़ार से लाना बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो ये है दोस्तों कबाड़ का जुगाड़, काफ़ी आसान हो जाता है, घर भी सज जाता है और इससे हम अपनी मन मर्जी की चीज़ें बना लेते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों राधे।